पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में योगी पुलिस द्वारा की गई फर्जी मुठभेड़ ने उस समय हड़कंप मचा दिया जब जिला अस्पताल में कवरेज कर रहे कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों से पुलिस ने अभद्रता कर दी। मुरादाबाद के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घायल को लेकर पहुंचे कटघर पुलिस के होश उस समय उड़ गए जब घायल के परिजनों की भीड़ भी मौके पर पहुंच गई और हंगामा करने लगी। दरअसल थाना कटघर क्षेत्र निवासी सनी दिवाकर को पुलिस संगीन अपराधी मानते हुए एनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिख रही थी और घटना को अंजाम भी दे दिया गया, लेकिन ये फर्जी एनकाउंटर पुलिस की किरकिरी करा गया क्योंकि अगर परिजनों के आरोप के अनुसार सन्नी की आज किसी पुराने मामले में तारीख थी और वो बाइक से कचहरी गया था। घर लौटते समय उसे कटघर पुलिस द्वारा कचहरी के नजदीक बालाजी मंदिर के पास से उठा लिया गया और रात के समय रामगंगा पुल पर ले जाकर उसके पैर में गोली मारी गई। परिजनों ने कटघर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए उस समय हड़कंप मचा दिया जब उनके द्वारा किसी दीपक मंत्री का नाम लेते हुए कहा गया कि सनी की उससे रंजिश चली आ रही है, जिसके चलते कटघर पुलिस ने पैसे लेकर सनी दिवाकर का एनकाउंटर कराया है। दीपक मंत्री सत्तारूढ़ दल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वहीं इस एनकाउंटर की सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचे मीडिया कर्मियों को पहले तो अंदर जाने से रोका गया और फिर मुरादाबाद पुलिस के द्वारा हाथापाई की गई और कैमरे चला रहे मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता करने लगी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि पुलिस फर्जी एनकाउंटर मामले में फंस गई है और घायल सनी से किसी को मिलने देना नहीं चाहती। जिस समय पुलिस मीडिया से अभद्रता कर रही थी तो पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया। पुलिस की फजीहत होते देख एसपी सिटी अंकित मित्तल भी पहुंच गए और अपनी पुलिस की जुबानी घटना बतानी शुरू कर दी। मेरे सामने तो नहीं हुआ। आप भी उस वीडियो में हैं? आप वीडियो में हैं? यार आप सर क्या छुपाने क्या क्या छुपाने क्या छुपाया जा रहा है? सर गेट लगाइए गया अस्पताल में, चाहे तब से मीडिया को रोक दिया गया सर। मीडिया पे धक्का मुक्की और उससे मारा पीटी क्यों करी जा रही है सर इस मामले में? आप तो हमारे साथ में हो, धक्का मुक्की सर हम धक्का मार के बाहर निकाला गया, बुलाने पे रोका जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। थाना गलछेद पुलिस जब चेकिंग में मशगूल थी तो एक व्यक्ति बाइक पर जिसको रोकने का प्रयास किया गया वहाँ पर नहीं रुका, तो वायरलेस पर सूचना फ्लैश की गई जिस पर उसकी घेराबंदी की गई। रामगंगा पुल के पास उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिस पर द्वारी पुलिस के द्वारा जो है वो जवाबी फायरिंग की गई जिसमें उसको एक गोली लगी और उसके बाद उसको जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर जिला अस्पताल में और हम लोग मौजूद हैं और मौके पर FSL की टीम जो है मौजूद है। सर क्या इसका पुराना भी रिकॉर्ड है कोई? अच्छा सर, तो ये व्यक्ति थाना कटघर का पंजीकृत HS है। सर क्या पब्लिक ने अभी हंगामे करा, इनके परिजनों ने प्लेज आया गया और संजय सिंह दरोगा को पे आरोप लगाने के कचहरी से उठाया था इसे? देखिए इस तरह की कुछ जो बातें वो सामने आ रही हैं, जो भी इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाए उस पर जाँच कराई जाएगी, अगर तथ्य सही पाए जाते हैं तो तदनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। सर मीडिया ने जब कवर करा तो रोका भी गया मीडिया को कवर करने से और ये कैमरे में भी कैद हुई है घटना? मीडिया के द्वारा जो भी जहाँ कवरेज संभव है।